तो गाइस अभी हम रुके हैं महावीर टीवीएस के पास, चेक करवाते हैं गाड़ी में। सो गाइस आज सबसे ज्यादा बारिश ने दुखी किया हुआ है, देखिए बारिश कितनी हो रही है। सो गाइस ये कुछ नजारा हमारा होमस्टे से, बसेरा होमस्टे से, ये आपको पहले भी दिखाया होगा। और ये है रूम जहाँ हम रुके थे, अभी तो हम निकल रहे हैं, सारा मैसी हो गया है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ सोया था मैं, बाकी अपने तीन एडिट्स हुए थे यहाँ पे, वी एस के, शिखर और अशोक। सो अभी निकलते हैं मैं बस, एंड में सामान चेक करने आया, कुछ रहना गया हमारा यहाँ पर। मेरी जैकेट पड़ी है, वॉशरूम में कुछ नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग इज डन। चलो भाई चलते हैं ऊपर फिर, और ऊपर सब लगे हुए हैं अपना अपना सामान सेट करने। आइए दिखाता हूँ आपको, ये है रूट, अब ये हो गया अपने सारे गाय रेडीज। नहीं करेगी, धुआं नहीं करेगी। और ये हमारे होटल के बाहर का व्यू, ये आपको हमने दिखाया हुआ पहले भी चितकुल की सीरीज में, आपने नहीं देखा तो देखने एक बार जाके, बसेरा होम स्टे। ठीक है अमित जी चलते हैं फिर, बहुत बढ़िया लगा, फिर आएंगे, दो बार तो आएंगे, अब दोबारा आएंगे अब आपके पास। बस एक रूम बढ़िया देना, बढ़िया ही देखिए आप, ठीक है। चलो जी चलो चलो चलो, कनेक्टेड हो गए भाई, भाई कनेक्टेड हो, निकलते हैं हम बगसेरा होम स्टे से, लेट्स गो। अब यहाँ से सबके रास्ते हो जाएंगे अलग अलग, जैसा कि आपको ठीक है भाई जी, ओके। सुबह जैसे कि आपको पता, रात को हम बहुत लेट हो गए थे, तो रात को हम बस आए और सो गए, सभी के सभी सो चुके थे, और सुबह से जस्ट स्टार्टिंग की वहीं से ही रूम से ही अपने। और अभी का व्यू देखते हो आप, देवदार के पेड़ खूबसूरत लग रहे हैं, रोड पर लगा रहे हैं चार चांद। सो अब चलते हैं हम टू वर्ड्स शिमला की ओर, शिमला से मैं निकल जाऊँगा कांगड़ा की साइड बाया हमीरपुर होता हुआ। शीतल और अशोक जाएंगे अपना फेवरेट राइडर, और अशोक ये जाएंगे अपना सोलन, और वी एस के भाई निकल जाएंगे अपने विश्वनाथ सक्सेना भाई, ये जाएंगे अपना नोएडा सीधा बाया सोलन चंडीगढ़ होते हुए, चंडीगढ़ जाएंगे बारह बार निकल जाएंगे। इतना ब्यूटीफुल वेदर है, और साथ में सेबों के बाग लगे हुए हैं ये देखिए आप, और आज क्लाउडी वेदर है काफ़ी, सनी नहीं है वैसे, नाकड़ा शायद सनी होता ही कम है, जब भी मैं आता हूँ यहाँ पर क्लाउडी दिखते हैं मुझे, दोपहर को शायद धूप आ जाए बट आज क्लाउडी वेदर है, काफ़ी क्लाउडी है, शायद मे बी उसका स्नोफॉल हो जाए, मे बी उसका ना भी हो। बहुत हाइट पे इस समय हम, देवदार के पेड़, सेब के बाल लगे हैं नीचे, देख रहे हो सेबों के बाल, बदल सा ना कि नहीं, क्या बात है जी। चलो रोड जा रहा नीचे, रोड जबरदस्त है, अच्छी क्वेश्चन है। Should have known that we could never be friends. I hear you just guys, अभी हम आए हैं शैली ढाबा, शैली व्यू मिल जाएगा जी। ब्रेकफास्ट क्या क्या ब्रेकफास्ट में? परोठा रहेगा, परोठा दे दो साथ में, आलू प्याज का परोठा कितने का है? आलू प्याज का 40 है, ठीक है। और एक चाय लियोगे साथ में? चाय दो, सब्जी का लोगे दोगे? बटर दे देना साथ में, बटर लगाना है, बटर दे देना, दाल दे देना कोई सी भी, ठीक है। सो बस बैठते हैं यहाँ पे, ब्रेकफास्ट करते हैं, शीतल अशोक चले गए आगे, बहुत थके गए, अभी नींद पूरी नहीं हो रही है, तीन चार दिन से राइड कर रहे हैं। सो गाइस जस्ट अभी हम शिमला से कितना पीछे का नाम 45 पीछे अभी शिमला से, और अभी देखा अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर मिलते हैं आपको गाइस सीधा गोपाल मोड़ में। लक्की शर्मा जी, हाँ ठीक है लक्की जी चलते हैं फिर, अच्छा था ब्रेकफास्ट, मज़ा आया खा के। सुबह निकलते हैं हम शाली ब्यूढ़ाबा से, ब्रेकफास्ट किया जैसे कि अभी खाया, परोठा खाया हमने, दो परोठे और चाय, और बॉडी में आ गई, मैंने दो खाए अपने वी एस के भाई की डाइट थोड़ी कम है तो उन्होंने एक खाया, सही बात है कि नहीं, अपनी डाइट थोड़ी ज़्यादा है, परोठा टेस्टी था काफ़ी, बढ़िया परोठा था। सुबह निकलते हैं शाली ढाबे से आगे,
और वेदर तो बड़ा ही क्लाउडी हो रहा है आज, पता नहीं बारिश होगी या स्नोफॉल होगा यहाँ पर। हाँ कुछ ही देर में हो ही जाएंगे, पर मैं सोच रहा हूँ शिमला तक ड्रॉप कर दूँ यार। और शिमला का यहाँ से 40 किलोमीटर रह गया बस, तो उसके बाद हमारे रास्ते अलग, वीएसके भाई के अलग रास्ते। मेरे को पूरे करने 490 किलोमीटर यहाँ से, और 510-515 किलोमीटर होटल से टोटल घर का। और मुझे करना है यहाँ से 250 के आसपास, 240 के आसपास शिमला से। तो मेरा जो है 450 के करीब, 400 किलोमीटर का सीधा रास्ता है, तो बाकी का 100-200 जो रह गया वो पहाड़ का ही। We could never be friends. I hear you just thought we could, but we could never be friends. थेओग, और ये रास्ता गया यहाँ से रोडू के लिए चांचल पास। अगर आपने मेरी वीडियो देखी जाकर देख लेना एक बार, चांचल पास वाली काफी अच्छी सीरीज है। लो जी बाय बाय टाटा कर दिया थेओग की मार्केट को, यहाँ का आगे। सो वीएसके भाई की फरमाइश पे उन्होंने कहा कि फोटो खिंचानी है। कैसे मैं खड़े हुए हैं ये भाई साहब, बोल रहे कि फोटो खिंचानी है हमने याक पे बैठ के। तो आ जाओ वीएसके भाई, आपकी फोटो खिंचवाएंगे फिर। क्या हाल है भाई, ठीक हो? बैठ के कितना लेता है ये खड़े भाई साहब बताएंगे? कितना? एक आदमी का 50। एक आदमी का 50 रुपये, ठीक है फिर तो बढ़िया है कि नहीं। बैठो वीएसके भाई, हम तुम बैठो पहले, डर लग रहा मुझे तो बैठते हुए। अरे कुछ नहीं करेगा बेटा, बैठे फिर बाहर है कि। सब एक फोटो खिंचाते हैं याक पे बैठ के। कैसे हो? मारेगा अरे डर गया। ये याक होता है, घुमा दो उठा पैर रखने सीधा हुआ है। ओए 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 मम्मी, ओए मुझे लग रहा है चलो ये एक और। ओए होए मेरा GoPro ओ नहीं है। हाँ 50 ठीक है भाई, शेर की बोनी होगी कि नहीं? अभी हुई है, चलो बढ़िया यार। दोस्त इधर देखो, चलते हैं हम, बाय 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 बाय, देख भी रहा मुझे, ठीक है बाय। वीएसके भाई आ जाइए। सो गाइस अभी फोटो खिंचवाई जो आपको मिलेगी देखने में इंस्टाग्राम पर। सो इसलिए कहते हैं गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे हम रियल अपडेट करते रहते हैं साथ की साथ, अपना जहाँ भी हम राइड करते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी राइड की रिगार्डिंग इंस्टाग्राम पर मिलती रहेगी। तो इंस्टाग्राम की आईडी है avs_vlog_biker_vishu, तो उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हो आप। और ये शिमला की टनल क्रॉस करते हुए हम कि नहीं, एक मिनट यहाँ से आ जाओ, सही है आ जाओ देख लो एक बार, यही है बस कर रहे हैं बार बार। हाँ इधर ही है। तो अभी हम शिमला करेंगे गाइस, क्रॉस कर लिया हमने ऑलमोस्ट, बस इधर शिमला रह गया, इधर हम निकल जाएंगे आगे और वीएसके भाई को करेंगे बाय बाय। अशोक और शीतल निकल गए आगे, उनको जल्दी था कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट तैयार करनी, उन्हें जाके अपनी बनवानी है अपना। तुम्हारा राइट किधर है, तुम्हारा राइट कौन सा है? इधर वापस आओ, वापस आके कल चले गए शिमला चले गए। मुझे नहीं पता तुम्हारा लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा है, इधर ही मुंडा सीधा राइट को आओ, इधर को आओ, आ जाओ शिमला और वो रहा ऊपर झाकू टेम्पल, हमीरपुर इधर।
सो गाइस अपनी डेस्टिनेशन यहाँ से होती है अलग, वीएसके भाई के साथ। वीएसके भाई चले जाएंगे अलग और मैं हो जाऊंगा अलग। ये जाएंगे चंडीगढ़ से होते हुए दिल्ली के लिए और मैं जाऊंगा ऊपर हमीरपुर। जैसे कि आपको बताया अशोक वो तो चले गए अपना शीतल फ्लोरे राइडर अपने। यहाँ से हमीरपुर 140, हमीरपुर के बाद मेरा रह जाएगा कोई 200 किलोमीटर जाना मुझे, 210 के आसपास 200 किलोमीटर जाऊंगा मैं यहाँ से, 210 के आसपास। हमीरपुर 140 ना 40 और ऊपर हमीरपुर से 80 किलोमीटर हो रहा है, 220 तक जाऊंगा मैं। और चलो ठीक है वीएसके भाई करते हैं, बाय बाय। ठीक है तो आज की राइड होती है हमारी खत्म यहीं पे ही। अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रिप प्लान अपने वीएसके व्लॉग्स के साथ। ठीक है वीएसके भाई, ओके बाय बाय, गले मिल लो आप भी गाइस। ये ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट ट्रिप प्लान करेंगे जल्दी। सो गाइस अपने वीएसके भाई चले गए हैं और अभी हम जा रहे हैं, टू आएगा टुट्टू के बाद डाडला घाट, फिर निकलेंगे सीधा अपने घर के लिए। अभी शिमला को कर रहे हैं बाय बाय, यहाँ पे थोड़ा मौसम ख़राब है, वेदर देखिए कैसा हो चुका है। सो निकलते हैं फटाफट से, ये देखिए बारिश होने वाली है, बारिश होने वाला वेदर हो गया है, हो सकता है बारिश हो या स्नो गिरे आज यहाँ पर। सो तो नहीं गिरेगी, बारिश ही होगी, होगी तो। सो गाइस अभी हम हैं नेशनल हाईवे 205, ये है नेशनल हाईवे 205, आई थिंक ये शिमला टू कुल्लू मनाली और धर्मशाला को जोड़ता होगा। तो अभी मैं जाऊँगा यहाँ से हमीरपुर, रहूँगा इस हाईवे के ऊपर, फिर हमीरपुर से हम निकल जाएंगे नदौड़ ज्वाला जी होते हैं अपने घर। अजय जी की है ना ये, अजय जी की है। सो गाइस नए टायर में पंचर हो गया अपने, तो मैंने सोचा कील लगी थी, कील निकलवा ली, काचे से लगी हुई आई है कील ये, तो मैं निकलवा लिया अंदर, कुछ ही क्या फ़ायदा इसकी, जाने वाली थी अंदर ये। लो जी लग गया जी अपना पंचर, जान लगेगी बहुत। बस तो जी गाइस पंचर लग गया, निकलते हैं फिर आगे। ठीक है जी फिर आएंगे, चलते रहते हैं इस रूट पर हम। अब आएंगे श्रीखंड का प्लान जब बनेगा। तो निकलते हैं गाइस अब आगे हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर। टायरों में हवा फुल हो गई है, पंचर लगा लिया हमने, करवाना ही है, अब बारिश हुई है तो रुकना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता मेरा गोप्रो गीला हो जाए फिर ऑन ना हो बाद में। हल्की हल्की हुई थी बारिश, ज़्यादा तेज नहीं थी, बस आ रही है रोडू से। मीरपुर 102 किलोमीटर है, और बस वाला बड़ी तेज भगा रहा यार, ये कट क्या मार रहा है, जबरदस्त कट मार निकल रहा है। पंजाब रोडवेज वाले हैं, हिमाचल रोडवेज वाले ना, इसलिए सुबह इस बारिश फिर से शुरू हो गई है, धीरे धीरे जाना होगा। और ये पता नहीं हल्की हल्की बारिश बीच में हो रही है, बीच में रुकी हुई है, समझ नहीं आ रहा। और आज सुबह से वेदर ऐसे ही बना हुआ है, कभी बारिश हो रही है कभी रुक रही है, बस यही चल रहा है सुबह से। आज पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे घर तक, तो पहुंच जाएंगे। और अभी टाइम जो हो रहा है 1:12 हो रहे हैं अभी टाइम जो हो रहा है। गाइस इस रोड पर ट्रक बहुत चलते हैं, इतने ट्रक चढ़ते हैं कुछ करने की हद ही नहीं, ट्रक ही ट्रक। ये देखिए ये जो एपिसोड होगा इस सीरीज का अपनी स्पीति वैली, स्पीति राइड 2020-21 का लास्ट एपिसोड होगा, मे भी सकता है सेकंड लास्ट, ऊपर लास्ट ही होगा एपिसोड ये जो देख रहे हो आप। अगर आपने पीछे के एपिसोड नहीं देखे हैं जाके, तो एक बार जाके गाइस वो भी चेकआउट कर लीजिए, काफी अच्छे बने एपिसोड, काफी अच्छे हमने एडवेंचर किया है। हम तीन चार राइडर थे जो स्पीति के थे, और तीन अपने हिमाचल से, हम तीन हिमाचल से थे, एक हमारा नोएडा से था। सो गाइस सबसे ज्यादा बारिश दुखी किया हुआ है, देखिए बारिश कितनी हो रही है, और ये जा रही है गाड़ियाँ भगी हुई, बाइक मैंने खड़ी कर दिया, बारिश बार बार हो रही है, रुक रही है, बार बार हो रही है, रुक रही है, समझ नहीं आ रही इसकी कहानी भी क्या है। चलते हैं आगे, फिर रुक गई हल्की सी, फिर से निकल पड़ा हूँ मैं। सो गाइस सीधा आया है बिलासपुर से, अब हम जाएंगे इधर अपना हमीरपुर साइड, और इधर जाएगा ये, इधर मेरे सीधा राइट हैंड साइड मंडी, हाँ इधर गया ये मंडी, और इधर जाएगा ये चंडीगढ़ बिलासपुर कुमारवी। सो गाइस अभी हम रुके हैं TVS महावीर TVS के पास, चेक करवाते हैं गाड़ी में, दिख में जो दिक्कत आ रही है प्रॉब्लम, पहले वो दिखाएंगे।
फिर इसमें डिस्प्ले प्रॉब्लम आने लगी थी। ऐड आ गई अभी। ओ जी लिखा हुआ बाइक के ऊपर, मैंने हेलमेट भी लिखा हुआ, ट्रिप सी मेरी जलोरी पास की, हमारी भी डाल देना, मैंने लगा दिया, ले लिया एंट्री की, आ गए एजेंसी में। ये वाला के, हाँ जी हाँ जी। अच्छा वी दूसरा है, वी लिखा ना, बी नहीं है, ये आ गया, ये वाला आ गया। हाँ जी, सब्सक्राइब कर दो आप। सो गाइस, अपनी बाइक की जो डिस्क है वो ठीक हो गई है, ठीक है भाई, आप ठीक है, चला के देखो पहले, आप चेक करो। हाँ पहले बड़ी हार्ड हो गई भाई, क्या हो गया, हाँ सॉफ्ट हो गई है ये। सो गाइस, अभी हम आए हैं महावीर, है ना, ये महावीर टीवीएस, महावीर टीवीएस पे हैं अभी हमीरपुर। सो ये है यहाँ के सारे इंजीनियर मैकेनिक्स। सो अभी गाड़ी चेक हो गई है अपनी, चेक करेंगे फोरमैन साहब, फोरमैन है ना, फोरमैन जी चेक करेंगे गाड़ी, तो देखेंगे क्या परफॉर्मेंस अभी बढ़ती है कि अच्छी लगी है। मुझे लगता है अब तो काफ़ी हद तक अच्छा लगेगा, डिस्क ब्रेक ठीक काम करनी चाहिए जैसा बता रहे हैं वो, क्योंकि पहले मैं गिर गया था इसकी वजह से ही। ये आ गई अपनी गाड़ी, ठीक हो गई बाहर। देखते हैं गाड़ी अभी, और ठीक लग रही है, चला के पता गया, अभी भी हार्ड है थोड़ी डिक्स, डिक्स थोड़ी अभी भी हार्ड है। ओके ओके, वहां रखोगे, ठीक है ठीक है। लो जी गाइस, निकल आए हैं महावीर एजेंसी से, और अब थोड़ी गाड़ी में मतलब ब्रेक थोड़ी ठीक बन गई है। ब्रेक क्या आती है, एक्चुअली हार्ड हो गई थी, काफ़ी हार्ड हो गई थी ब्रेक, अब काफ़ी हद तक ठीक है। और इन्होंने कोई पैसे भी नहीं लिए ब्रेक ऑयल चेंज करने के, सबसे बड़ी बात ये है, फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रेक ऑयल चेंज किया मेरा। अच्छा लगा, जब भी मैं टीवीएस की एजेंसी में कोई राइडर जाता ना, पक्का जो दूर से आता उसकी हेल्प करते हैं हमेशा। मैं बनी खेत गया था, उन्होंने भी हेल्प की थी काफ़ी, फ्री में इंजन टॉपअप करके दिया था, 200 में डाल के दिया था उन्होंने, कोई चार्ज नहीं लिए, तो ये बेनिफिट होता है हमेशा टीवीएस की। तो मैंने हमेशा आपको बताया कि बहुत हेल्प करते हैं हमेशा ही, टीवीएस की बाइक लेके जाओगे एजेंसी में, ऑलमोस्ट बंदे ऐसे हेल्प करते हैं, कोई कोई हो सकता है कोई बिरला बंदा कि ना करे, बट लेकिन ऑलमोस्ट सारे हेल्प करते हैं बहुत सारे। हमने यहीं एक शोरूम बनाया अपना, अच्छा ये बनाया शोरूम, ओके तो सबसे अच्छी बात ये लगती है टीवीएस एजेंसी की, जो आप डरता आपको वैसे बहुत हेल्प करते हैं, पहले भी हेल्प की थी, अब भी हेल्प की थी, जहाँ भी गया हूँ जिस एजेंसी में गया हूँ हेल्प करते हैं। ये बना रहे हैं टीवीएस का नया शोरूम इनका, ये गया इधर महावीर वाले, चलो अच्छी लगी। तो यहाँ भी जान पहचान होगी महावीर वालों के साथ भी, अब बनी खेत भी होगी है ऑलमोस्ट, काफ़ी मैं हिमाचल में जहाँ भी जाता हूँ तो मैं जान पहचान करके आता हूँ, अपनी दोस्ती बना के आता हूँ टीवीएस में। तो इन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया गाइस, आप भी कर दो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो अभी तक, क्योंकि अभी आपकी हेल्प की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, सामने कितना खूबसूरत पौंग झील दिख रही है, बट लेकिन शायद आपको ना दिखे। सो गाइस, अभी हम घर पहुँच चुके हैं, सिर्फ घर मेरा रह गया, यहाँ से 4-5 किलोमीटर रह गया है, और हवा झटके मार रही है ऐसे पूरे दबा दबा के, ऐसे देरी झटके, ये कहाँ कहाँ भागे फिर रहे हैं। सो मैं ऑलमोस्ट गाइस पहुंच चुका हूं अपने घर पर, होप करता हूं कि आपको ये पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी, स्पीति फ्राइड 2021 जो कि हमने ऑलमोस्ट विंटर के आसपास की है, मतलब विंटर सीजन के आसपास ही की है, मार्च कंप्लीट ख़त्म ही हुआ था उसके बाद हम चले गए थे, तो ये विंटर में ही आ जाती है अप्रैल में, क्योंकि वहाँ विंटर ही गिना जाता है, तो ऑलमोस्ट हमने विंटर के आसपास की है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी हुई ये सीरीज़, जरा अच्छी लगती है, अगर अच्छी लगी गाइस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल करें सब्सक्राइब, सभी के चैनल को फ्लोरे AVS और AVS ब्लॉग तो मैं ही हूँ, फ्लोरे का भी कर दें, AVS का भी कर दें, सभी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ऐसे निकल जाएंगे हम अपने घर के साइड, लीजिए अपना घर शुरू हो गया है। सो गाइस, ये थी आज की जो वीडियो थी अपनी, शिमला से होगी नारकंडा से घर तक अपने। सो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरी सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। सो गाइस, इसी नोट पे करते हैं वीडियो को, यहीं पे करते हैं ख़त्म। सो गाइस, वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी किसी नई
सीरीज के साथ या नई किसी प्लेस के साथ। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट व्हाइल यू राइडिंग। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। I should have known that we could never be.